दोस्तों वीपीएन और प्रॉक्सी नेटवर्क इन दोनों के बीच हमने आपसे जैसे डिस्कस की थी पिछले दो वीडियोस में, तो आपने देखा कि क्या है वीपीएन और क्या है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच क्या कुछ डिफरेंस है? दोनों देखने में तो सिमिलर लगते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, जहां पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि वीपीएन और प्रॉक्सी नेटवर्क कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हेलो दोस्तों, सीखे सीखे मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट के दो वीडियो में हमने आपसे कंफर्म कर दिया था कि वीपीएन क्या है, प्रॉक्सी सर्वर्स क्या है, कैसे ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन आज दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो जैसे कि इन दोनों में हमने आपको बताया था कि आपका जो भी आपका सर्वर अगर आपको कनेक्ट कर रखा है, आपने यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट कर रखा है या तो प्रॉक्सी सर्वर कनेक्ट कर रखा है आपने, तो होता क्या है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो शो नहीं होता। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो हाइड किया जाता है। जो भी यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर या फिर कोई वीपीएन आपने कनेक्ट कर रखा है, वहां का आपको आईपी एड्रेस उस वेबसाइट को शो किया जाता है, तो आपकी यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी होती है वो हाइड हो जाती है। तो अब इन दोनों के बीच काम तो दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? तो यहाँ पे पहला मेजर डिफरेंस ये निकल के आता है कि अगर आप कोई यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हो, तो कोई स्पेसिफिक ऐप के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर अपने फोन में आप यहाँ पे कोई यूज कर रहे हो प्रॉक्सी सर्वर को, तो प्रॉक्सी सर्वर आप किसी ब्राउजर में आप यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, जैसे क्रोम ब्राउजर में अपने प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो, तो क्रोम ब्राउजर के अंदर ही ये वर्क कर रहा है। क्रोम ब्राउजर से बाहर निकलते हो, कोई दूसरा ऐप यूज करते हो, तो उसमें वो आपका प्रॉक्सी सर्वर कुछ भी यूज नहीं होता है, वहां पे कोई भी वर्क नहीं करता है। तो ये प्रॉक्सी सर्वर किसी स्पेसिफिक ऐप, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को विजिट करने के लिए यूज होता है ज्यादातर, तो वो पूरे फोन या पूरे पीसी में अपने एक साथ कवर नहीं करता, वो किसी स्पेसिफिक ब्राउजर या किसी स्पेसिफिक ऐप के लिए यूज होता है। लेकिन यही हम अगर आप बात करते हैं कि अगर हम वीपीएन को कनेक्ट करते हैं अपने फोन में, तो वीपीएन जब हम अपने फोन में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक ब्राउजर हो, दो ब्राउजर हो, तीन ब्राउजर हो या चार ब्राउजर हो, सारे ब्राउजर या तो फिर कोई अनदर ऐप यूज कर रहे हो, तो सारे के सारे एप्स में ये वीपीएन इफेक्ट करता है। अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो, वीपीएन आपने कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी कंट्री से आपने वीपीएन कनेक्ट किया है, जो भी आप ऐप ओपन करते हो, वो रिक्वेस्ट वीपीएन के पास जाते हैं और वहां से आपको वेबसाइट के पास रिक्वेस्ट जाती है। तो ऐसे वीपीएन वर्क करते हैं, मतलब आपने एक फोन में या पीसी में आपने वीपीएन कनेक्ट किया है, तो जो भी आप ऐप वगैरह यूज कर रहे हो उस वीपीएन कनेक्शन के बाद में, तो सारे के सारे वीपीएन के अंदर ही आएंगे, वीपीएन कनेक्ट होके ही जाएंगे। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये बेहतर होता है अगर आपको पूरा फोन पूरे पीसी में एक साथ यूज करना है। जैसे कि हमने अगर कोई वीपीएन कनेक्ट कर रखा है अपने फोन में, अब अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप या तो फिर कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी जो भी हम वीपीएन कनेक्ट कर रखे हैं, तो वहां के स्पेसिफिक के हिसाब से हमें जो भी इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐसा होता है। तो आप अगर बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर, तो सिर्फ एक ऐप या एक वेबसाइट के लिए होगी, और यहाँ पे वीपीएन पूरे फोन या पूरे पीसी को कवर करती है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस ये आता है निकल के कि जो सिक्योरिटी होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स की, तो प्रॉक्सी सर्वर्स यहाँ पे आते हैं, HTTP प्रॉक्सी सर्वर्स आते हैं, HTTPS प्रॉक्सी सर्वर्स आते हैं। तो HTTP जैसे कि आप जानते हैं अनसिक्योर होते हैं, अगर आप बीच में आपका कोई डेटा चेक करना चाहे, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या आप यहाँ पे ब्राउज कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे अनसिक्योर होता है। लेकिन अगर आप HTTPS प्रॉक्सी लेते हो, तो यहाँ पे भी आपका जो भी डेटा होता है वो उतना सिक्योर नहीं होता है वीपीएन के मुकाबले। यहाँ पे अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा बिल्कुल इनक्रिप्ट होता है, बिल्कुल सिक्योर होता है, आपका जो भी वीपीएन सर्वर है वहां तक जाता है और वीपीएन सर्वर आपके पास, तो ये इंक्रिप्शन अच्छा खासा बना रहता है। तो वीपीएन ज्यादा सिक्योर होता है यहाँ पे प्रॉक्सी नेटवर्क्स के मुकाबले। तो ये बड़े चेंजेस है। अगर आप स्पीड की बात करें, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर्स और वीपीएन में वीपीएन अच्छी स्पीड दे देते हैं आपको, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हमेशा, तो एक कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो तुरंत ये ट्रांसफर हो जाता है रिक्वेस्ट यहाँ से वहां, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सर्वर्स में क्या होता है, आपका सर्वर्स के पास जाता है, सर्वर उनको रिक्वेस्ट करता है, फिर वो सर्वर को देते हैं, फिर वो आपके पास आता है। तो ये कुछ मतलब डिले भी होता है अगर आप प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करते हो। तो डीए यहाँ पे वीपीएन हर चीज में आगे निकल के आता है, सिक्योरिटी के मामले में हर चीज में आपको यहाँ पे वीपीएन बेहतर सर्विस देता है। तो ये कुछ डिफरेंस है यहाँ पे वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में, विच आपको डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है और वीपीएन क्या है, कैसे दोनों यूज करते हैं और क्या कुछ डिफरेंस है इसके बीच में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके जाइए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए रेड वाले बटन को दबाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।